इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, वास चित्रण तकनीकी के बारे में विस्तार से देखा है आप। वास चित्रण तकनीकी के बारे में विस्तार से सीखिए। वास वास शब्द का तकनीकी के रूप में तात्पर्य धोने से है। इस पद्धति में रंगों को धरातल पर लगाकर सूखने के बाद उसे धुला जाता है और फिर रंग लगाए जाते हैं, फिर धुला जाता है। यही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार बार बार धोने की क्रिया करने के कारण इस पद्धति को वास चित्रण कहा जाता है। देखें आगे, वास चित्र पद्धति की खोज बंगाल स्कूल के संस्थापक चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने चीनी तथा जापानी जल जल रंग से प्रभावित होकर इस शैली का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने हल्के धुंधले रंगों से चित्र रचना की। छाया प्रकाश गहराई आगे देखिए उभार सामंजस्य और कोमलता आदि प्रभावों को दिखाने में वास चित्र पद्धति बेहतर तकनीकी सिद्ध हुई। बंगाल शैली में ज्यादातर चित्रकारों ने इस शैली में काम किया, जिन्होंने नंदलाल बोस, क्षितिजनाथ मजूमदार तथा अब्दुल रहमान चगुताई, असित कुमार हालदर प्रमुख हैं। अब इसके कागज कैसे थे, देखिए कागज वास के लिए थोड़े मोटे रफ कागज की आवश्यकता होती है, जिससे धोने पर कागज के रेशे उखड़े नहीं और रंग धोने के बाद भी धरातल पर थोड़े लगे रहें। इसके लिए हैंडमेड वाटमैन सैंडर्स तथा कैट पेपर अच्छे होते हैं। इसके लिए ब्रश कौन सा था, देखिए ब्रश इसके लिए सेबल हेयर ब्रश का प्रयोग होता है। वास लगाने के लिए चौड़े ब्रश का रेखांकन तथा मॉडलिंग के लिए गोल ब्रश के अच्छे होते हैं, गोल ब्रश अच्छे होते हैं। थोड़ा सा इसकी तकनीकी देख लीजिए, तकनीक मतलब तकनीकी देख लें आप, एक कैसे बनता है पेंटिंग। सर्वप्रथम कागज को बोर्ड पर मास्किंग टेप से चिपकाया जाता है, उसके बाद हल्के पेंसिल से सटीक लाइन खींची जाती है। इस रेखाओं को हल्के पीले रंग से ब्रश से लाइनिंग की जाती है। पेपर को पूरा गीला कर रंग आवश्यकता अनुसार डाले जाते हैं। सूखने पर पूरे चित्र को धूल दिया जाता है। पुनः इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। इस तरह की मनचाहा परिणाम न प्राप्त हो जाए। इस प्रक्रिया को बार बार करने से रंगों के ऊपर रंगों की एक एक के बाद एक पारदर्शी फिल्म चढ़ जाती है, जिससे एक धुंधली सी रहस्यमय आभा परिलक्षित हो जाती है। चित्र पूर्ण होने पर रेखांकन करके उसे भी धोकर स्थायी और चित्र का अंग बना लिया जाता है। अंतिम रेखांकन गहरे किंतु अत्यंत मृदुल रंगों से कर दिया जाता है। चित्र के अंतिम वास के चित्रण वास के कच्चा धूल रंगों को स्थायी, पारदर्शक तथा चमकीले बनाने में सहयोग होती है। ये था वास चित्रण दोस्तों, थ्योरी थी। आप लोग इसको देख ले और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के देखेंगे तो अच्छा पड़ेगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोले दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा। मैंने थोड़ा स्पीड में बताया क्योंकि वीडियो छोटी।